हेलो दोस्तों, मैं यशवंत, एक पंप ऑपरेटर का मैकेनिक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कूलिंग पाइप क्या होती है और कहाँ से ये कूलिंग पाइप लगती है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि ग्लैंड डोरी का क्या काम रहता है और ग्लैंड कैप किसको बोला जाता है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि सक्शन पाइप के साथ साथ जो है कूलिंग पाइप का क्या कार्य रहता है, तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा, नीचे बटन को दबा करके साथ साथ आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कूलिंग पाइप क्या होती है और कहां पे ये जो है लगी रहती है। और ये हमारी कूलिंग पाइप है, ये हमारे पास एक डिसमेंटल जो खोला हुआ पंप है, तो ये इसका डिस्चार्ज साइड है। तो ये जैसे और यहाँ पे जो ये मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इस तरह की रॉड से जो है बंधा होता है। तो इसमें ये यहाँ पे ग्लैंड कैप है और ये कूलिंग पाइप है। ग्लैंड कैप का जो कार्य रहता है वो जो है पानी को यहाँ से जैसे लीकेज होती है तो यहाँ पे हमारे को ग्लैंड डोरी डालनी रहती है, तो यहाँ पे ग्लैंड डोरी लगाते हैं, तो जिसके कारण जो है आपका पानी की लीकेज को जो है कम करता है। ये कूलिंग पाइप है। कूलिंग पाइप का कार्य होता है कि जो ओवरफ्लो पानी होता है पंप के अंदर वो जो है कूलिंग पाइप के माध्यम से निकलता है। और जैसे ही इसमें इस केस में इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ से जो है निकलता है और यहाँ से हमने इसको इसका डिस्चार्ज बनाया है। ये पंप ही इसी तरह से जो है कंपनी ने बनाया है कि जो इसका ओवरफ्लो जो अंदर पंप के अंदर रहता है वो पानी जो है कूलिंग पाइप के माध्यम से बाहर निकलता है और इसको जो है यहाँ पे इसका सक्शन साइड में इसको डाल दिया गया है। और ये दोनों सिरे ये इसका जो है यहाँ से जो पानी निकलेगा ओवरफ्लो के माध्यम से, तो जो पंप के अंदर ओवर होता है वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ दूसरी साइड जो है हमने इसको सक्शन साइड में डाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये इसका सक्शन साइड है और यहाँ पे हमने इसको सक्शन और दोबारा से ये पानी जो है उसी दिशा में जो है आएगा अंदर। और जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इसकी सक्शन साइड है और जैसे ही ये मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो रहता है कि हमारे पास जैसे पहला इंपेलर होता है वो जो है सक्शन करता है और दूसरे का जो है वो डिस्चार्ज बन जाता है, पहले का सक्शन दूसरे का डिस्चार्ज बन जाता है। तो इसी तरह से आगे आगे बढ़ करके जैसे ये डिस्चार्ज जो साइड है तो इस तरह से पानी आगे को निकलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसके बियरिंग फिट रहते हैं जो शाफ्ट के अंदर, ये इसका जो है बियरिंग में जब भी आप लुब्रिकेंट डालते हैं, चाहे वो आपका ऑयल हो चाहे वो ग्रीस हो, तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। ऑयल यहाँ से डालेंगे तो यहाँ इस जगह में जो है आपका इस स्थान पर जो है बियरिंग सेट हुआ रहता है। तो जैसे कि आप इसमें जैसे ही लुब्रिकेंट डालेंगे तो इस कैप को बंद कीजिएगा, चाहे आपके पास इसमें बोल्ट होगा चाहे नट, कोई भी जो है कैप रहती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं अगली बात, जैसे कि जो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है मल्टी स्टेज में है तो इस तरह की रॉड से ये बंधा रहता है। तो ग्लैंड कैप, ये हमारी ग्लैंड कैप है जो कि कास्ट आयरन की बनी होती है और ये जो है ये इसका एक की है जहाँ पे आपकी पुली लगती है और जिसमें जो है पुली में दो पुली की दूसरी साइड में पुली में भी अंदर को छेद रहता है ताकि आपकी पुली बिल्कुल जो है एक जगह स्थिर रहे और शाफ्ट को दोनों शाफ्टों को जो है घुमाए, जो भी आपका प्राइम मूवर होगा चाहे मोटर होगी चाहे कोई भी दूसरा प्राइम मूवर रहेगा। तो ग्लैंड कैप यहाँ पे आपको पानी की लीकेज से जो है ग्लैंड कैप जो है पानी की लीकेज को रोकता है। और यहाँ पे हम ग्लैंड डोरी का भी इस्तेमाल करते हैं यदि आपके पास ज़्यादा वो रहता है, तो ये इसकी डिस्चार्ज साइड है। तो ये यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं,
तो ये आपका लुब्रिकेंट ऑयल है जो कि यहाँ पे लगता है, तो इस तरह का लुब्रिकेंट ऑयल है। और ये हमारे पास एक बियरिंग है जो कि पंप बियरिंग है, NU 207 नंबर का इसमें बियरिंग लगता है, तो जो कि यहाँ पे लगता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और हमारा भी एक मैसेज कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुँच जाएगा जिनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।